सौ सेवा भारती चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना आज से 20 वर्ष पूर्व और इसी उद्देश्य से की गई थी मुंबई में, कि मुंबई में जो बिसाऊ प्रवासियों का संगठन है उसको एक जगह पे लाया जाए। उसी के अंतर्गत हम दीपावली और होली के स्नेह सम्मेलन के कार्यक्रम मुंबई में आयोजित करते हैं और जो सेवा के कार्य हैं वो सब हम बिसाऊ में करते हैं। जो कि बिसाऊ के अगर उद्देश्य की बात करें तो किस प्रकार का उद्देश्य होता है उसका, मतलब ये कहते हैं कि किस प्रकार से काम करते हैं समाज में और उसका क्या बिसाऊ का क्या बेनिफिट होता है समाज के लोगों के लिए? क्योंकि बिसाऊ हमारी सबकी मातृभूमि है और वहाँ से सबका मुंबई में सबकी कर्म भूमि है, लेकिन बिसाऊ से सबका लगाव तो रहता ही है। कुछ लोगों का साल में एक बार दो बार जाना होता है, कुछ का कभी कभी जाना होता है, लेकिन जब वहाँ मातृभूमि में जाते हैं तो सबको एक अजीब एक विशेष तरह का आकर्षण वहाँ के प्रति होता है और सबके मन में कुछ भावना आती है कि हम हमारे गाँव के लिए कुछ करें। और लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं और वहाँ भी लोग यहाँ के द्वारा किए गए कार्यों से और सेटिस्फाइड है। तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस बैनर तले, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं? कार्यक्रम तो हर साल ही होता है लेकिन इस वर्ष कुछ अति ज़्यादा उत्साह देखने में आ रहा है और काफ़ी सारे लोग हमारे गणमान्य व्यक्ति बिसाऊ से पधारे हैं और सूरत से भी पधारे हैं, कलाकार भी बिसाऊ से पधारे हैं। यहाँ की भी कई मुख्य कलाकारों को आज लिया गया है, सीमा मिश्रा जो हमारे बिसाऊ से ही है वो भी आज एक मुख्य कलाकार है, कार्यक्रम देंगी, तो उससे इसका प्रचार भी हमने पिछले दिनों में अच्छी तरह से किया, तो ऐसा लोगों में उत्साह दिख रहा है कि इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में इस साल विशेष उत्साह है और ये उत्साह आगे और भी बढ़ेगा। चलते चलते होली की शुभकामनाएं सबको, दो कुछ ही दिन बचे हुए होली की। हाँ, तो होली का त्यौहार तो शुरू हो चुका है आज से हमारे लिए बिसाऊ वासियों के लिए। मैं सबको हमारी संस्था की ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत सुखद रहे ये होली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। होली सबसे महत्वपूर्ण, होली कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये मिलन समारोह है, तो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये सेवा भारती बिसाऊ चैरिटेबल ट्रस्ट का होली मिलन समारोह है। हमारी संस्था को स्थापित किए 20 साल हो गए हैं, ये 20वां साल है और जैसे कि जानते हैं कि आप 21वां साल एक व्यवस्था में आदमी एक उस पड़ाव में प्रवेश करता है। इस संस्था का हमारा जो उद्देश्य था गठन करने का कि बिसाऊ वासी जो बम्बई, सूरत और इर्द गिर्द आए हुए हैं वे एक मंच पे एक स्थापित हों ताकि हमारा जो कल्चरल, हमारा जो सांस्कृतिक त्यौहार है हम आदान प्रदान करके और अच्छे बना सके। आपको जैसे मालूम ही है कि होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, सभी के साथ मिलाया जा मिलजुल कर हम लोग इसको मनाते हैं और इस बार जैसे 20वें साल हम 21वें पायदान में प्रवेश कर रहे हैं, विशेषतः हमने बिसाऊ से, हमारे गांव से, हमारी जो माटी की सौंधी सौंधी खुशबू जहां से आती है, जहां से हम जुड़े हुए हैं, वहां से कलाकार और नागरिक भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। आप देख रहे हैं कि इस साल अभूतपूर्व उत्साह है, करीबन 500 से 600 लोगों की यहां उपस्थिति शीघ्र ही हो जाएगी और जो कार्यक्रम विशेष तरह से बनना है, देखिए सब जैसे मैंने भी आज साफा बनाया है, एक ये माटी से जुड़े रहने का एक संदेश है कि आपको देख के लगता है कि हम राजस्थान से जुड़े हैं और बिसाऊ जैसे जो गांव है वो गांव नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। उस माटी से बड़े बड़े उद्योगपति हमने इस भारतवर्ष को दिए हैं, जटिया जी जिनके फोर सीजन होटल है, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज है, जिलेट के ओनर हैं सिंघानिया जेके ग्रुप वाले, वो भी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, पुद्दार से काफ़ी, राजपुरिया जी जो इस भवन से जुड़े हुए हैं वो भी बिसाऊ के हैं, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है और अग्रणी है, काफ़ी काम किए हैं हमने। और जैसे अभी इन दिनों जटिया जी ने बिसाऊ में शंकर भगवान का एक अति विशिष्ट मंदिर बनाया है जो दुनिया के एक टूरिस्ट मैप में आ गया, भारत के टूरिस्ट मैप में तो है। आज कोई भी विदेशी सैलानी जो राजस्थान में आता है और शेखावाटी क्षेत्र में आता है वह शंकर भगवान के मंदिर के दर्शन जरूर करता है। तो इस सब सानिध्य में ये बताना चाहूँगा कि जो होली का कार्यक्रम हो रहा है, आप देखते हैं कितने खुशी से हैं आने जाने वालों का, सबका हम बाजे से स्वागत कर रहे हैं, एक विशेष तरीके से हम एक इसको सेलिब्रेशन करके रूप में बना रहे हैं। होली मिलन समारोह रंगों का, जैसे आपने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है और खास करके राजस्थान की जब बात करते हैं तो वहाँ कुछ और ही प्रकार होली खेली जाती है, तो कुछ ऐसी बात है जो राजस्थान की जो शेयर करना चाहेंगे हम लोग, या आपके बचपन से जुड़ी हुई बातें हैं जो होली में
आपको कीचड़ से खेलना है? देखिए, राजस्थान में जो होली बनती है उसका तरीका अलग रहता है। पूरे फागुन माह में माहौल ही अलग रहता है। वहाँ पे रात भर पूरे गांव में एक टोलियाँ जो बन के हैं वो कार्यक्रम पेश करती रहती हैं, 10-15 लड़कों की एक अलग रूप से की जाती है। मैं चूँकि बम्बई से पैदा हूँ, लेकिन मेरा आज भी उस बिसाऊ की माटी से आज भी जुड़ाव है, और अभी भी साल में 2-3 दफ़े मैं वहाँ जाता ही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ का आनंद, वहाँ की जो छटाएँ हैं, जो घटाएँ उनकी, जो हवा का है, उसमें प्रवेश करते ही शरीर में इस तरह का आह्लादित आदमी हो जाता है कि होली के जो रंग में है, देवर भाभी के जूची रहते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सीमा मिश्रा जी जो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बिसाऊ से पधारी हैं, वीणा कैसेट्स के अंदर, वीणा कैसेट्स की एक तरह से को डायरेक्टर हैं, को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उनका नाम है। और ये जो हमारे राजस्थान के टिपिकल लोकगीत जो फोक गीत हैं उसमें उनका लीडिंग स्थान है। तो राजस्थान के बारे में होली का एक अलग ही अनुभव है। वहाँ जरूर, वहाँ पे जैसे बरसाने में या वृंदावन में होती है कीचड़, वैसे होली नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ गुलाब, ढप, चंग जो आप देखेंगे आज, एक घूमर है, अभी पद्मावत जैसे फिल्म आई है दिखाई राजस्थान से, तो घूमर नृत्य जो रहता है एक राजस्थान की विशेष छटा है, और वो एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना जिंदगी वहाँ की सी आती है। आज यहाँ पे क्या होने वाला है? गुलाल, ठंडई यहाँ मिल रही है, तमाम ये सब चीज़ें मिल रही है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, राजस्थानी व्यंजन का हमने पूरा प्रबंध किया है, ठंडाई का प्रबंध किया है। भांग के बारे में ऐसा है कि जो आजू बाजू के लोग रहते हैं, और हम इस कार्यक्रम को लंबा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के परमिशन और अधिकारियों के बंधन के कारण से हम इसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ढप, गिंदड़ और जो टिपिकल एक राजस्थानी कार्यक्रम जिस तरह होते हैं, और खाने पीने का हमने पूरा पारंपरिक राजस्थानी मेन्यू जो बोलते हैं हमने वो सेलेक्ट किया है। इस मौके पे मैं सभी को होली की शुभकामनाएं, हमारे बिसाऊ वासियों को। बिसाऊ में इस साल हमने लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त किया, वहाँ पे गांधी चौक जो मुख्य बाजार में चौक है, वहाँ बड़ी स्क्रीन लग के, और वहाँ पे अभी 300 आदमी जमा हो चुके हैं कि बम्बई में कार्यक्रम किस तरह का हो रहा है, हम जुड़े रहे। ये भी एक तरह का संदेश मेरा बम्बई वासियों को, तरह बिसाऊ वासियों के जुड़ाव का एक अनोखा संगम है, ये एक फ्यूज़न जिसको बोलते हैं कि नई जो हमारी जनरेशन आ रही है किस तरह से आगे होके, और ऐसा नहीं कि हम नई जनरेशन में, लेकिन अभी भी माटी से जुड़े हुए हैं। तो होली पे सभी की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को विशेष क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, पूरे मीडिया वालों को होली के अग्रिम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो यहाँ होली का मिलन समारोह हो रहा है, और रहा मेरा परिचय, मैं मनोज छापरवाल राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, और इस मुंबई नगरी, ये मेरी कर्म नगरी, जहाँ से सिंगिंग के क्षेत्र में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी हिट सीरियल्स और मूवीज़ दी है मैंने राजस्थान में। सबसे हिट एल्बम मेरा जो रहा है वो धरती धोरारी राजस्थान का रहा है, जो आज यहाँ पे भी मैं प्रस्तुत करूँगा। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि जिसमें लता दीदी का एक गाना राजस्थानी जो है वो मेरे साथ एक धमाल गाई हुई है, श्याम बाबा की। पहला एक बंदा हूँ मैं मारवाड़ियों का सिंगर का जिनके साथ लता दीदी, उषा दीदी और इंडस्ट्री के तमाम हमारे आर्टिस्टों के साथ हैं। अब रही बिसाऊ की ये कि आज होली सम्मेलन हर साल यहाँ होता है, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ इस होली सम्मेलन में। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है। शुरू से कर देता हूँ सर। चलिए मनोज जी, अपने परिचय के बारे में, अपने बारे में बताइए, और इस होली मिलन समारोह में कितनी खुशी है, कितना चैलेंज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को कुछ करना है, होली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी मनोज? सभी को नमस्ते, प्रणाम आप सबको, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं को, और मीडिया के थ्रू सब को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी का अभिनंदन। मैं मनोज छापरवाल मुंबई से ही हूँ, राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है, कर्म भूमि हमारी मुंबई रही है, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, काफ़ी हिट सीरियल दिए जिसमें कहानी घर घर से शुरुआत की करियर की, और उसके बाद जो सौभाग्य मिला वो मुझे लता दीदी के साथ मिला, मारवाड़ी समाज में पहला गायक जिनके साथ लता जी ने कुछ लाइनें गाई हुई है धमाल होली की। आज ये जो होली मिलन समारोह यहाँ रखा गया है बिसाऊ नागरिक परिषद वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, फुल धमाल होगी आप सब के लिए, जितने बिसाऊ से यहाँ आए हुए हैं और जितने हमारे मुंबई के बासिंदे हैं उन सब के लिए। मिलते हैं हम लोग सब अंदर, सभी धमाल करते हैं जितना। सबसे मेरा हिट एल्बम जो रहा है धरती धोरारी, मैं आज यहाँ पर भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जरूर उसको सुने,
जितना हो सकता है उतना आप लोग साथ दें। आप सबको एक बार फिर प्रणाम। थैंक यू। सर बहुत बड़ी घटना रही है, सुबह मैं उठा तब ये मुझे न्यूज़ मेरे बेटे ने दी थी उठते ही, और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही है ये। बल्कि हम ये वेट कर रहे थे कि भी उनका कब कैसे क्या होगा, क्योंकि मैंने कमल जी को फ़ोन भी किया था कि सर टाइमिंग हो सकता है हम शाम को वहाँ जाएंगे, तो अभी वो कल सुबह उनका शायद अंतिम संस्कार कर रखा है, कल रिटर्न करेंगे। ये बहुत दुख की बात है, और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी वो, क्योंकि मैं छोटा था तब से उनकी फिल्में जो देखा हूँ, और मेरे साथ एक मेरी को आर्टिस्ट थी वो पूरा उनको फॉलो करती थी कि मैं जब गाता और वो डांस करती उस पर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये शॉकिंग न्यूज़ है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। हुआ तो सूरी गाहने शरी मावे ई पर देव रमणी नहीं आवे ई रो यश नरी नारी गावे धरती धोरारी बधरती धोरारी बधरती धोरारी बधरती धोरारी। थैंक यू। पूर्व गाना मैं आपको सबको अंदर सुनाता हूँ, आप लोग सब आए अंदर। थैंक यू एक बार। थैंक यू से उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। होली का त्यौहार जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही रंगीन और उल्लासपूर्ण माहौल का त्यौहार होता है, हर आदमी अपने पूरे भेदभाव को भुला के सतरंगी रंगों में सरोवर हो जाता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में राजस्थान में होली का त्यौहार है वो हर्ष और उल्लास और मस्ती का त्यौहार माना जाता है। ये पहली बार मुंबई में हो रहा है जब न केवल मुंबई के बल्कि बिसाऊ से, दिल्ली से, सूरत से, बेंगलोर से, हर जगह से बिसाऊ के लोग इस कार्यक्रम को इंजॉय करने के लिए आए हैं, और ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है। यहाँ हम राजस्थान की करीब 150-200 साल पुरानी संस्कृति के बहुत ही प्यारे प्यारे गीत जो राजस्थान की धरा पे लिखे गए हैं वो सबके साथ सुनाएंगे। एक बहुत ही प्यारी गींदड़, हमारे यहाँ पे एक खेल होता है जो काफ़ी कुछ गरबा से मिलता जुलता होता है, वो हम यहाँ पे खेलेंगे और सारे लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे और इस होली की मस्ती का आनंद लेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। की अगर बात करें तो ये बहुत ही होली का जो त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है, और पिसाऊ की अगर बात करें तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे इसे मनाया जाता है, तो उसकी छवि क्या यहाँ पे भी लाने का प्रयास किया गया? बिसाऊ की छवि को मुंबई के लोगों के बीच शेयर करने के लिए ही आज बिसाऊ से करीब 80 आदमी इस कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए बिसाऊ से आए हैं, और हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था बिसाऊ में भी की है, तो जो बिसाऊ से लोग इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये प्रोग्राम हमारी अपनी माटी, हमारी अपनी मातृभूमि में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे अंदर जो हर्ष और उल्लास है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिसाऊ और सेवा भारती की बात करें तो इस प्रकार का काम करती है समाज के लिए? ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सेवा भारती, बिसाऊ चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट है, जो बिसाऊ के प्रवासी बंधुओं ने बिसाऊ के चहुमुखी विकास के लिए बनाया है, तो जो भी सक्षम लोग हैं वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और बिसाऊ के विकास के लिए कार्य करते हैं। मुझे आज गर्व है कि बिसाऊ में बहुत सारे सेवा के कार्य हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, और बिसाऊ के लोग ऐसे मिलजुल के हर त्यौहार हर फंक्शन का आनंद लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो कमल जी के लिए, कमल जी की अगर बात करें तो ये कितना कठिन काम होता है समाज को? ये बिल्कुल कठिन काम नहीं होता है, हम केवल प्रयास ही नहीं करते। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों को फोन किया, दोस्तों को बोला ऐसा प्रोग्राम करते हैं और सारे दोस्त आ गए। एक दोस्त है हमारे प्रमोद आर्य, वो दुबई से खाली इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और सुबह वापस जाएंगे, तो जब ऐसे दोस्त हैं तो कहीं तकलीफ का कोई काम ही नहीं, आनंद आता है, मजा आता है। चलते चलते आखिरी सवाल, देशवासियों को होली कुछ ही दिन बचे हुए, क्या शुभकामनाएं देंगे? होली पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और केवल ये कहूंगा कि इस होली के सतरंगी रंगों में अपने सारे दुख, बैर, भाव, नेगेटिव एनर्जी सब हटा दो, सिर्फ इंजॉय करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो और मस्ती करो। थैंक यू। Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.